पर आप जानते हो, ऐसे पढ़े लिखे हो, रैखिक समीकरण भी जानते हो। पहले तो हम ये सीखेंगे कि समीकरण के अलग अलग हल कैसे होते हैं। देखिए, पहले एक इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप इन्हें देखो समझो। एक्स प्लस टू वाई इक्वल सिक्स, यक्स प्लस टू वाई इक्वल सिक्स, क्या इसके अलग अलग हल हो सकते हैं? और अगर हो सकते हैं तो कितने हो सकते हैं, बताइए, जवाब दीजिए। सभी बच्चे बताइए, प्रियांशु जी, विशाल भिंड, कामिनी कुमारी, रामेंद्र सिंह, बताइए इसके अलग अलग हल हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो कितने हो सकते हैं? आप लोग अगर एनसीईआरटी किताब लिए हैं तो किताब में पेज नंबर 82 खोल लो। पेज नंबर 82 कह रहा कि समीकरण x प्लस टू वाई इक्वल सिक्स के चार अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। देखने पर यक्स बराबर दो वाई बराबर दो एक हल है, क्योंकि यक्स बराबर दो वाई बराबर दो पर यह समीकरण क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है ना। आइए अब हम यक्स बराबर जीरो पर लें। यक्स के इस मान के लिए दिया हुआ समीकरण दो वाई बराबर छः हो जाता है, जिसका एक अद्वितीय हल है। वाई बराबर तीन होता है, अतः यक्स बराबर जीरो वाई बराबर तीन भी इसका एक हल होगा। इसी तरह से कह रहा है और आगे, वैसे मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, ध्यान देना, करके दिखाऊंगा तब समझना। देखो इसमें करना क्या है, इसमें आपको यक्स का कोई मान रखना है, वाई का कोई मान रखना है। अगर हम थोड़ा और पीछे चलें तो आपने समीकरण और सर्वसमिका पढ़ा है ना। समीकरण एक किसी निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होता है, लेकिन सर्वसमिका यक्स के किसी भी मान के लिए क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। तो आप लोग क्या कहते हो, उसमें चला जाए क्या? नहीं ना, इसी में चलें ना, आगे बढ़ें। पहले इसको लिख लो तो फिर आगे चलते हैं। लिखो, लिखो फटाफट, चलो लिख लिए, चलो यहां पर लिखो। इसका क्या करना है कि अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, अलग अलग मान निकालना है। चलिए ठीक है, अब हम मानते हैं, माना यक्स बराबर जीरो। अगर इसमें यक्स बराबर जीरो मानोगे, वाई का कोई मान आएगा, इस पे जीरो हो गया तो टू वाई बराबर छः, तो यहाँ से वाई बराबर निकालोगे छः बटा दो, वाई का मान क्या आया, तीन, यानी वाई का एक मान आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के एक मान जो है यक्स बराबर जीरो और वाई बराबर तीन आया। ये क्या है, इस समीकरण का एक हल है। क्या है, एक हल है ना। हाँ, एग्जाम्पल नंबर तीन है एनसीईआरटी में, समझ रहे हो ना। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लो इसे, और हाँ इस क्लास को लाइक भी करो, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ बेटा, देखो ऐसे मजा नहीं आती, जान लो। और जिनको सीखना है वो क्लास को पूरा देखें, बीच में छोड़ के ना जाएं। अंकित सिंह, समझ में आएगा, टाइम दोगे तब तुरंत जुड़ोगे, 1 मिनट में सोचो कि सब ले लें तो 1 मिनट में कुछ ना मिलेगा, टाइम दो, आएगा। ठीक है, समय देना पड़ेगा, आएगा। अब देखो इसके और भी मान हो सकते हैं, कैसे? ये तो एक हल हो गया, चाहे तो इसको लिख लो, नहीं तो मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। ये एक हल हो गया, पहला हल हो गया इसका समीकरण का। दूसरा हल देखो, यक्स बराबर दो रखने पर, चलो यक्स का मान दो रखो इसमें, यहाँ पे दो हो गया प्लस टू वाई इक्वल सिक्स, तो भैया हो ये आपका टू वाई इक्वल हो जाएगा कितना, 6 माइनस 2, तो वाई इक्वल कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, और ये इधर जाएगा, y का मान क्या आएगा, 2। यानी हम कह सकते हैं इसका एक हल हो गया, x बराबर 2 तो y बराबर भी 2 आया। हाँ, आप कह सकते हो ये
यक्स बराबर दो और वाई बराबर दो भी इसका क्या है, एक हल है। इस तरह से आप इसके अनंत हल कर सकते हो कि नहीं, और भी करके देख लो, ऐसे करते रहो फटाफट, समझ रहे हो ना। नॉलेज वर्ड कहीं और देख लो, हाँ आप कहीं और देख लो जल्दी जल्दी, क्योंकि ये जल्दी वाला क्लास नहीं है, यहाँ सिखाया जाता है, यहाँ सिखाया जाता है ना, जल्दी ख़त्म थोड़ी करना है, ख़त्म कर दो बस। चलो आगे देखो, ये इसको लिख लो, दो हल हो गए। अब मैं इसको मिटाऊंगा तो फिर आगे बताऊंगा। मिटाऊं, हो गया, दो हल हो गए। कितने हल निकालने हैं, कह रहा था अलग अलग हल ज्ञात कीजिए, तो आप इनके अलग अलग चार छः हल ऐसे निकाल सकते हो, निकालते रहो। देखो यहाँ से आपको एक नॉलेज होगा, वो क्या है पता है, वैसे तो अगर हम गहराई से बेसिक पढ़ाते तो आपको क्लियर करते हैं कि किसी समीकरण के अधिकतम कितने हल हो सकते हैं। लेकिन अब डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पे आ गए हैं तो हमें पहले तो क्वेश्चन ही, यार ये 2 सेकंड के लिए छोड़ देता है पता नहीं क्यों, और फिर पकड़ लेता है। अच्छा चलो, यक्स बराबर तो हो गया, वाई बराबर जीरो लेने पर मान ज्ञात करो। वाई बराबर जीरो लेकर के मान निकाल के मुझे बताओ सभी, चलो फटाफट बताओ। वाई बराबर जीरो करने पर, सभी बच्चे करो, वाई बराबर जीरो करने पर मान बताओ। चलो y बराबर जीरो करने पर मान ज्ञात करो। सूरज यादव, रामेंद्र, विशाल और कोई, एके, ठीक है, एनीवन, चलो जल्दी जल्दी बताओ। x बराबर जीरो भी हमने ले लिया, हाँ? y बराबर भी जीरो ले लो, मतलब इसके कुल मिला के अनेक हल हैं, इसके हल की कोई मतलब गिनती नहीं कर सकते हो कितने हल हैं, हाँ? y बराबर चार रखने पर, जैसे जैसे तुम रखते जाओगे वैसे x का कोई एक मान आएगा, y बराबर जीरो रखोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये यानी ये शून्य हो जाएगा, x का मान 6 आएगा। आप कह सकते हो कि ये भी इसका एक हल है, हाँ है ना। हमने कितने हल निकाले, एक अभी दो दो निकाला था, एक इधर एक उधर, एक ये हो गया। इस तरह से यक्स बराबर चार रख लो, हाँ यक्स बराबर चार रख लो तब भी आपको अलग अलग वाई का मान आ जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि इस दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यक्स का मान -1 रखो, वाई का मान कुछ आएगा। ये द्वि घात वाला समीकरण नहीं है लेकिन द्वि चर वाला समीकरण है, तो द्वि चर वाले इस समीकरण में, इस तरह के समीकरण में हलों की, यार ये रिकनेक्ट होता है बार बार साला, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है ये, हाँ ये चलता है कुछ सेकंड बाद डिसकनेक्ट हो जाता है, फिर अपने कनेक्ट हो जाता है एक सेकंड में, ये तो लंबी कहानी कर रहा है, हाँ? समझ रहे हो ना। चलें इसको मिटा दें, तो अभी हम कर क्या रहे हैं, अभी हम तुम्हें सिर्फ सिखा रहे हैं कि कोई भी जो इस तरह का दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे नहीं चलेंगे, और अगला एग्जांपल ले लो, तो इसके बाद वाला कुछ अगला एग्जांपल लो, इसके बाद वाला चलो सभी। यहां पर तुम लोग को एक चीज और लिखवाना था,
शायद मैं पिछली बार वाले में पढ़ाया था ना। चलो पहले तो फिलहाल कर लो, फिर बाद में देखेंगे और आगे कल वाले में पढ़ा देंगे। जो भी लिखवाने वाला है आज कुछ नहीं लिखवाएंगे। आज सिर्फ समझ लो बस, लिखो ना कुछ। देखो आप लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, मैं बार बार बोलूं ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना, लेकिन सुन नहीं रहा जो बच्चा, ये गड़बड़ है। समझ रहे हो ना, बहुत गड़बड़ है। इसका पहला पार्ट देखो, 4x 3y = 12। इसके कोई दो हल ज्ञात कर सकते हो आप लोग? इस दिए गए समीकरण का कोई दो हल निकाल सकते हो? मुझे तो लग रहा है निकाल लोगे तुम बहुत हल। हाँ पढ़ाई कर लो, केवल केवल पढ़ाई कर लो, फालतू बातचीत वालों को ब्लॉक करो भाई। ये एक ही पागल टाइप की है, इसको बोला कि सबको ब्लॉक करो तो ये सबको समझाती रहती है, बात ना करो बात ना करो। हाँ ये गिड़गिड़ाने से मानने वाले हैं नहीं, इनको समझ में कुछ आता है नहीं। देखो इसको क्या करना है, इसमें कोई भी मान रखो, x बराबर 0 रखने पर 90 आप तुमको हम ब्लॉक कर देंगे। समझ रही हो ना, 90 अब तुम्हें हम ब्लॉक करने वाले हैं। रुको तुम बहुत समझा रही हो काफ़ी देर से ना, तुमको कितनी बार बताया कि जो फालतू का इधर उधर करे उसे ब्लॉक करो 5-5 मिनट के लिए, पूछो रोको समझाओ मत, ये जमाना नहीं है। हाँ लेकिन ये पागल 5 घंटा से मैं देख रहा हूँ, कल भी आज भी रोज, ये किसी को ब्लॉक नहीं करती, बस केवल समझाती है, और वो अपना काम किए रहते हैं, सब लगे रहते हैं। यक्स बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा, ये 4x0 प्लस ये 3y = 12, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये 3y = 12। यहाँ से y बराबर निकालोगे तो 12/3, यानी फाइनल में क्या आएगा 4। मान कितने कितने आ गए, कितने कितने मान आ गए बताओ। x का मान 0 रखा था, यानी हम कह सकते हैं x बराबर 0 और y बराबर 4, ये इसका एक हल हो गया। लिख लो लिखना चाहो तो, ठीक है लिख लो फटाफट लिखो। ये हो गया, अब क्या करोगे, अगला क्या करना है, इसमें दूसरा हल निकालना है। कैसे करेंगे, यक्स का कोई दूसरा मान रखो, वाई का कोई दूसरा मान आएगा, इस तरह से यक्स का कोई दूसरा मान रखो, वाई का कोई दूसरा मान आएगा, ऐसे ही इनके अलग अलग हल ज्ञात करने हैं, ऐसे आपके एक्सरसाइज में भी दिया गया है, ठीक है। अब बताओ क्या रखें यक्स का मान, चलो आप लोग बोलो। पहला हल तो ये हो गया, दूसरा हल इधर होगा, यक्स का मान क्या रखें बोलो। चलो बताओ कितना रखा जाए, 4। अच्छा और कोई, ठीक है यक्स का मान हम रखेंगे इसमें 3, क्योंकि तुम लोग कुछ अलग अलग बताओगे, यहाँ पे 0 रखा था यहाँ पे 3 रखेंगे। तो देखो भैया जब 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x3 और ये 3y = 12, तो ये हो जाएगा 12 और ये 3y और ये बराबर 12। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये 3y बराबर, देखो ये 12 और ये 12 दोनों घटेगा तो 0 हो जाएगा। अबे लिख लो भाई, जिनको परेशानी है लिख लो, देखो हो जाएगा कि नहीं। तो y बराबर हो जाएगा 0/3, अगर ऐसी स्थिति आती है तो फाइनल में 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। हाँ
तो वाई का मान क्या आ जाएगा? जीरो। यानी हम कह सकते हैं कि जब यक्स का मान तीन रखा गया तो वाई का मान क्या आया? जीरो आया। इस तरह से समीकरण के दो हल निकल गए। सबको समझ में आया? वकील कुमार, प्रेम मेहरा, शिव राजपूत, उत्तम कुमार, रवि रंजन, सत्यनाम बिमल, आया समझ में? लिख लीजिए फटाफट, देर ना करिए, जल्दी लिखिए। इसको हम मिटा के आगे बढ़ेंगे। अभी 4.2 शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी तुम लोग को केवल उसके लिए तैयार कर रहे हैं। इसके बाद तो 4.2 खुद कर ले जाओगे। हाँ, 4.2 खुद कर लोगे, उसमें कोई बहुत बड़ा है नहीं। चलिए, आप लोग एनसीईआरटी किताब लिए हो क्या? किताब लिए हो कि नहीं? लिए हो तो एक्सरसाइज शुरू कर दिया जाए क्या? प्रेम मेहरा, पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ रहे हो ना तुम? पढ़ रहे हो, किताब लिए हो, पढ़ लो चुपचाप। कहाँ तुमको अपनी खोपड़ी पे जोड़ लूँ ला करके? हाँ, क्लास में तुम जुड़े हो, पढ़ रहे हो, और क्या चाहते हो? तुम्हारी आरती उतारा जाए? ये ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बारात गए हो दुल्हा के, बोले मुझे बारात लिए चलो। हाँ, मुझे बारात लिए चलो। दूल्हा भी सोचेगा इसको दूल्हा बना दूं काम है, हाँ, इसीलिए परेशान है ये। तो वही हाल इनकी है, ये क्लास में आए भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, सारा प्रोग्राम भी देख रहे हैं, फिर भी रट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं फिर भी, यानी होश में नहीं है। एक्सरसाइज 4.2 देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है? ये इक्वेशन है y इक्वल 3x+5। ये बताओ इसके कितने हल होंगे समीकरण के, पहले आप लोग बताओ। हाँ, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, बताओ जल्दी। गीता बताइए, रवि, विपिन, आयुष। देखो बच्चा, इनके अभी अभी मैंने बताया, अगर इस तरह का कोई भी इक्वेशन तुम्हें दिया है जिसे बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। हाँ, क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो बिना कुछ बोले अगर हम कहें तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तीसरा सही है ना? लेकिन चलो रख के दिखा देता हूँ। पहले तो y इक्वल जीरो रखने पर, y इक्वल जीरो रखो, रख लो, रोका किसने है, ये जीरो हो जाएगा, 3x+5। इन चच्चा को इधर ले आओ फिर भैया, क्या होगा, खतरनाक लग रहा है क्या मुझे? देखो ये जीरो है, इधर से आएगा ये पाँच, तो क्या होगा? इसको दो तरीका है करने का। कैसे करोगे? हाँ, कैसे करोगे? देखो ये पाँच क्या इधर साइड में प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। भाई आप सोचो, अगर इसका मान ना रखे होते एक मिनट के लिए, बिना मान रखे ही इनको पहले उतार लो, मान बाद में रखना। ये y इक्वल यही था ना, इसमें हमें क्या करना है, y का कुछ मान रखना है, y का मान हम बाद में रखेंगे। पहले एक काम करो, इनको पाँच को इधर ले आओ, इधर प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। y का मान क्या रखने को बोल रहे हैं, जीरो, तो जीरो रख लो, तो ऐसे बन जाएगा ये। भैया इसमें से जीरो घटेगा या कैसे कुछ भी होगा, इसमें कुछ हटने वाला है नहीं। हाँ,
कितना आएगा? 5/3 आएगा ना, हाँ समझ रहे हो कि नहीं, माइनस में आएगा। तो आपका ये -5/3 आएगा, यक्स का मान माइनस में है, माइनस ही रहेगा, जीरो से कोई मतलब नहीं, वो हट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। चलो ये हो गया। तो यानी आप कह सकते हो यहाँ पर कि यक्स का वाई का मान जीरो रखने पर क्या आया, यक्स का मान -5/3 आया। अच्छा एक काम करो, यक्स का मान -5/3 रखो, क्या वाई का मान जीरो आता है? इधर साइड में चलो टेस्ट कर लेते हैं, अगर हमें कंफ्यूजन है तो जल्दी रखो भैया, चलो फटाफट। तो यक्स का मान रखो तो -5/3 रखो जल्दी से, देर ना करो, ये 3 से 3 कट गया, -5 + 5 सही तो है, फिर आ रहा है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। ये कोई विधि नहीं है, ये अभी विलोपन विधि, समापन विधि, कोई विधि नहीं है। अभी पढ़ नहीं रहे हो, अभी तो केवल जो चैप्टर में दिया है तुम्हारे 4.2 करने को वो है, अभी तो खेल रहे हो। ये समीकरण हल करने का कोई विधि नहीं है, समझ में आ रहा है ना? चलो तो यक्स का मान -5/3 और वाई का मान क्या आया चाचा? जीरो। ये आपका एक हल हो गया। ये कह रहा था कि कितने हल हैं इसके समीकरण के, इसमें ऑप्शन दिया था, उसको सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो चलो इनका दूसरा हल दिखा दो। इस तरह से जब एक दो निकल जाए तो कह देना कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, मैंने सिद्ध कर लिया है। वैसे झूठी बता दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, यक्स बराबर 1 रखने पर वाई का मान निकाल के बताओ, कोई बताएगा? ये राजपूत गेमिंग वाईटी, इसको ब्लॉक कर दो हराम खोर को। तो ये बहुत देर से कूड़ा कचरा भेजता है, खूब सारा मिला करके। हाँ, इमोजी भेजने वाले को तुरंत ब्लॉक किया करो, इमोजी एक ही भेजी जाती है, दो ठीक, इतना सारा भेज देता है एक झउआ। हाँ मतलब पूरे कमेंट में इसकी इमोजी दिखे बस। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 + 5, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 8। हाँ ठीक है, और यक्स का मान कितना आया, 1। इस तरह से देखो मैंने दो मान निकाल के दिखाए, एक इधर से एक इधर ना, ऐसे आप कोई भी मान रखो और भी आप मुझे बताओगे, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ। चलो एक ये हो गया अलग, एक तीसरा हल के लिए चलो करो। वाई का मान 1 रखने पर यक्स का मान बताओ, चलो जल्दी से बताओ, एक एक बच्चा बताएगा। वाई का मान 1 रखने पर यक्स का मान बताओ जल्दी, देर नहीं होना चाहिए, फटाफट बताओ। चलो कितना आएगा देखो बच्चा, सीधी सी बात है, वाई का मान जब तुम अगर 1 रख दोगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये चचा इधर आ जाएंगे, 1 - 4/3 हो जाएगा लगभग। हाँ 4/3 आएगा ना, यानी हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसका कोई अद्वितीय हल नहीं है और ना ही कोई इसका दो हल है। हाँ तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड नंबर सही हो जाएगा। चलिए नाभ्या गुप्ता जी, अगर आप परेशान हो जाइए तो बता दीजिएगा इन लोग को, ब्लॉक व्लाक करते करते, ठीक है, और भी लोग हैं वो लोग करेंगे, आप बता दीजिएगा कि परेशान हो गए अब हम, क्योंकि इनको झेलना आसान नहीं है, इनको जो झेलता है वो परेशान हो जाता वैसे ही। इसका सेकंड क्वेश्चन कौन कौन कर लेगा भाई? 4.2 का फर्स्ट तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन कौन कौन कर लेगा? हाँ
सेकेंड क्वेश्चन कौन कौन कर लेगा, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल ज्ञात कीजिए। कितने हल ज्ञात करने हैं? चार हल ज्ञात करने हैं। कर लोगे ना आप लोग? जैसे मैंने अभी बताया सेम वैसे करना है। x का कोई मान रखो, y का कोई मान आएगा, y का कोई मान रख दो, x का कोई आएगा। ऐसे ऐसे कर डालो फटाफट, चार नहीं 44 मान निकाल लो ना। रोका किसने है? ये लो पहला ले लो, इसमें 2x प्लस वाई बराबर 7। क्या करना है, क्या करना है? इसके चार हल ज्ञात करने हैं। तो चार हल निकाल लोगे कि नहीं? चलो मैं इकट्ठी बता देता हूं। चलो भाई x बराबर 0 रखो, y का मान क्या आएगा दौड़ के बताओ? 0 रख दो, ये 0 हो गया, y बराबर 7 आ गया। यानी हम कह सकते हैं x बराबर 0 रखने पर y का मान 7 आ गया, ये एक हल हो गया, ये पहला हल हो गया। बीबीके म्यूजिक बेटा, तुम बहुत अच्छी समय में पैदा हुई हो, तुम्हारा काम भी यही है, हाँ भविष्य में यही करना तुम, बहुत अच्छा, खुश रहो, करो करो, ठीक है करो, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जितने हरामखोर इमोजी भेज रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो इमोजी भेजें लाइफ टाइम बस, बाकी कुछ ना करें, उनको पढ़ने लिखने से मतलब है नहीं। चलो अब मैं मना भी नहीं करूँगा, नहीं मना करूँगा, अब तुम खुद ही कचरा खाना चाहते हो तो खाओ। चलो इसमें यक्स का मान 0 रखा था, चलो वाई का मान 0 रख लो, एक हल तो मिल गया ये। अब इधर दूसरा हल, ठीक है, ऐसे आपको क्या करने हैं, चार हल ज्ञात करने हैं। तो ठीक है, 2x y का मान 0 रखना है, तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 7, x बराबर 7/2 और y बराबर 0, ये आपका दूसरा हल हो गया। क्या हो गया? ये दूसरा हल हो गया, है ना? ना बे आप भी पढ़ाई करो, फालतू परेशान ना रॉयल लोग के चक्कर में, ये पढ़ने वाले हैं नहीं, इनको जो करने करने दो। चलो इसको लिख लो आप, दो हल हो गए मैं मिटा रहा हूँ, दो हो गया मैं मिटा रहा हूँ इसके बाद, ठीक है। इमोजी भेजने वाले को परमानेंट ब्लॉक किया करो, फालतू नहीं, इन्हें परमानेंट ब्लॉक, जो 3 से ज़्यादा इमोजी भेज रहा है उसे परमानेंट ब्लॉक, कि दोबारा वो पटकता रहे कितना भी पटके लेकिन इधर तक ना आए, समझ रहे हो ना? हाँ, जो 3 से ज़्यादा इमोजी भेजे दोस्त, 3 से ज़्यादा इमोजी भेजे उसे परमानेंट ब्लॉक करो, हाइड किया करो, होल्ड ना किया करो उसे, हाइड किया करो एकदम से, हमेशा के लिए, दोबारा फिर ना कचरा पड़े वो। चलो ठीक है, तो दो हल हो गए समीकरण के, इसके तीन हल निकालना है, चार हल निकालना है, चाहे 25 निकालना हो निकाल लो। अब बताओ x का मान क्या रखें? चलो तुम लोग बताओ क्या रखें, बोलो जल्दी। हाँ x का मान क्या रखें इसमें, अब बताओ। देखो यहाँ पर रख सकते हो -1, मुझे पता है ये बहुत खतरनाक बच्चे हैं, इनको संभालना आसान नहीं, बच्चे और बंदर कहते हैं ना वो बराबर होते हैं, तो ये बंदर से ज़्यादा आगे। -1 रखा मैंने तो ये -2 हो गया, प्लस वाई बराबर 7, तो ये हो गया 7 और इधर जाएगा भाई साहब ये प्लस हो जाएगा, यानी x का मान -1 और y का मान 9 आया,
देखो तीन हल मैंने निकाल दिए बेटा, ठीक है, एक अभी उधर निकाला था मिटा दिया, दूसरा ये झांक रहा है, तीसरा ये है। समझ में आया ना? ये लड़की करती क्या है, ये किसी को होल्ड नहीं करती है, ये केवल उसका मैसेज डिलीट करती है, इसलिए परेशान है, खुद परेशान है। ये अगर 5 मिनट के लिए होल्ड कर दे तो 5 मिनट फुर्सत मिल जाए, लेकिन ये होल्ड नहीं करती है, बड़ी दयालु टाइप की है, ये पढ़ भी नहीं रही है, ये पढ़ पाएगी भी नहीं, इन लोग के चक्कर में पढ़ नहीं सकती, ये केवल उन लोग का कमेंट डिलीट करती है, एक एक कमेंट डिलीट करती है। इतने हराम खोर हैं ये, इनका कमेंट डिलीट कोई कर सकता है भला? हाँ, इनको डिलीट नहीं, इनको सफाया किया जा सकता है बस। हो गया, आगे चले। तो इस तरह से आप लोग ये बताओ, जितने और भी इसके पार्ट दिए गए हैं कर लोगे कि नहीं? हाँ, इसके और जो भी पार्ट्स दिए गए हैं तुम लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब मैं नाभ्या को ब्लॉक करने को सोच रहा हूँ, ये बिना मतलब का काम ये खुद ही कर रही है। चलो जल्दी सभी बच्चे बताओ, कर लोगे ना? अब आगे चलें? चलो ठीक है, सभी बच्चे फटाफट अपना करो। चलो लिख लो, अब इनके जितने भी पार्ट्स हैं वो सब कर लेना। चलो बच्चे कोई नहीं कर सकते, अब हमारे ये टीम के सदस्य जो सो रहे हैं उनसे करवाएंगे, क्योंकि पढ़ने वाले करेंगे तो वो डिस्टर्ब रहेंगे, मुझे पता है, फिर वो पढ़ नहीं पाएंगे ना, इसलिए आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इन लोग के चक्कर में मत पड़िए, इन लोग के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप लोग इसको कर लोगे? टाइम ज़्यादा हो रहा है क्या? अभी टाइम तो बहुत बचा है। ये जब डिस्टर्ब कर देते हैं ना तब क्लास आधा घंटा लगता है एक्स्ट्रा चल गई है। इसको साइड में रख के पढ़ाना चाहिए, कमेंट आना ही नहीं चाहिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। और कोई किसी का सवाल है तो बताओ। हाँ, अब कर लोगे इस तरह से ना? सभी कर लोगे ना भैया? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ा जाए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं सभी समझ भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, आगे बढ़े फिर। अब ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया का? कितना क्वेश्चन बचा है अभी? अगला तीसरा कह रहा, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। चलो देखो यहाँ पे समझो, अब ये तीन तीन मिनट वैसे ठंडाए रहेंगे, 3 मिनट बाद एक बार क्या करेंगे। देखो पहला इसमें समझो क्या है, समझो एक्स माइनस टू वाई इक्वल फोर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, समझो क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन इसके हल नहीं हैं। अब आप लोगों को बताना है, ठीक है? तो पहला चलो ट्राई करते हैं। पहला है 0,2, क्या ये इस समीकरण का हल है या नहीं है, कैसे जानोगे जरा ये बताओ।
रॉबिन कुमार, सरवन, निखिल सिंह, ठीक है बहुत अच्छे। देखो सब लोग चले गए ना बेटा, तीन तीन मिनट बाद कमेंट कर पाओगे, 3 मिनट ठंडा रहो, पानी वानी पी लो, मुंह धुल लो, 3 मिनट बाद एक कमेंट कर देना, आग उगलना हो उगल देना, क्वेश्चन पूछना हो क्वेश्चन पूछ लेना, 3 मिनट फिर आराम से ठंडा आना, फिर 3 मिनट बाद आना। चलो तो यक्स का मान 0 रखो इसमें, यक्स का मान 0 रखो और वाई का मान 2 रखो, बराबर 4। ये 0 माइनस क्या आएगा, 4 बराबर 4, तो ये माइनस 4 बराबर 4 क्या इसका मान है, बोलो है या नहीं है। 4.2 का तीसरा का पहला, सभी बच्चे बोलो, पहला वाला इसका मान है या नहीं है। भैया हो, माइनस और प्लस दोनों बराबर कभी हो ही नहीं सकते हैं, इनमें बहुत बड़ी दुश्मनी होती है। ये इसका मान नहीं है, क्या है, ये इसका मान नहीं है, ठीक है, ये बराबर है नहीं, ये मैंने लगाया है बस, बाकी ये बराबर नहीं है, अतः ये इसका मान नहीं। चलो दूसरा का ट्राई कर लेते हैं, देखो सब ठंडा गए ना, ठीक है सब ठंडाए रहेंगे। तीसरे का देखो अगला, 2,0, 2,0, यक्स का मान 2 रखो, वाई का मान 0 रखो, यक्स का मान क्या रखोगे 2, वाई का मान क्या रखोगे 0। ये परेशान होते इसलिए करते हैं क्योंकि मैनेज नहीं करना जानते ना ये लोग, इसलिए जिसे कहते हैं बताए ना, लातिक भवानी बातें नहीं मनती उनका लात चाहिए, तो ये ओमे के हैं कुछ जो बीच में आ जाते हैं। तो यक्स की जगह पे 2 रखोगे, वाई की जगह पर क्या रखोगे 0 रखोगे, इस तरह से आपका ये 2 माइनस ये 0 बराबर 4। तो भैया वो ये जो 2 है वो 4 के बराबर नहीं हो सकता है, ये भी क्या है इसका मान नहीं है, ये भी क्या है इसका मान नहीं है। रख के देख लो, यक्स की जगह पे 2 रखा है, वाई की जगह पे 0 रखा है, ये कभी भी दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये भी इसका मान नहीं है, दूसरा कान भी नहीं है। भैया देखो कोई एक कट ही होगा क्योंकि ये समीकरण मुझे लग रहा है ऐसा दिया है, इसका एक है कोई मान है। हाँ चलो ठीक है, अगले पे चलें। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। वैसे अगर एक प्रकार से देखा जाए तो पढ़ने में यहां पर कमेंट करने का कोई मतलब नहीं, जो पढ़ने वाले हैं कोई मतलब नहीं, बीच बीच में कभी कभार रहा 2-4 मिनट में एक बार कर दो ठीक है बहुत, और जो डंडा करा है वो पढ़ के आरा ना लायक, पढ़ थोड़ी रहा है वो पढ़ रहा ही नहीं। 4,0, चलो 4,0, यक्स का मान 4 रखो, ये 4 हो गया, वाई का मान 0 रखो, ये भैया होगा बराबर, यानी यही मान क्या है, यही उत्तर सही है, दोनों बराबर आ रहा है ना, बात समझ में आया ना, यानी यक्स माइनस 2 वाई बराबर 4 में 4,0 ही दिया गया जो मान है वो इस समीकरण का मान है, बाकी और कोई भी नहीं है, ठीक है समझ में आया ना। चलिए ठीक है, अच्छा है, देखिए कमेंट देखना भी जरूरी होता है, अगर मैं वैसे भी छोड़ दूं कि कमेंट ना देखूं बिल्कुल से एकदम से, या फिर एक लोग की क्यों ड्यूटी लगाऊं भाई, देखो कोई फ्री में तो काम करता नहीं है। अब मान लो हमारी 4 क्लासें चलती हैं, हम 4 क्लास के लिए एक लोग को रखेंगे, महीना में उनको 8,000-10,000 देंगे, रोज़ कम से कम 200 रुपया देंगे, और तुम जिसमें हरामखोर टाइप का जो फ्री पढ़ना चाहता है, हाँ बिल्कुल फ्री पढ़ना चाहता है, और वो उसके लिए मैं 200 रुपये खर्चा करूँ रोज़, क्यों, इसलिए मैं
शाम की क्लास में कोई भी कमेंट मॉडरेटर नहीं रखता हूँ यहाँ अपनी तरफ से, बाकी बच्चों में कोई हो जाए वो अलग बात है, समझ रहे हो ना। लेकिन ना देखा जाए तो कुछ लोग की शिकायत आती गार्जियन की, सर आपके क्लास में बच्चे ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, हाँ ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, उनको फिर कमेंट दिखता है और कुछ नहीं दिखता दुनिया में। चलो तो इस तरह से आपका तीसरा हो गया समीकरण। ये खत्म होने के बाद चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, ये भी आ जाए तो आपका ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। हाँ आंसर अपने दिल में थाम के रखे रहो, मत बताओ। चलो देखो इधर साइड समझो, केवल पढ़ो बस, कोई आंसर मत बताओ, बताना होगा तो हम कर देंगे, हटा देंगे स्लो मोड, बता लेना। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, कह रहा के का मान ज्ञात कीजिए, 2x + 3y बराबर के, 2x + 3y बराबर के। इसमें बच्चा यक्स का मान 2 दिया है, वाई का मान 1 दिया है। चलो के का मान निकाल लोगे रख के कि नहीं, चौथा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। बताइए जल्दी बताइए, ठीक है अब मैं खुद मैनेज करूंगा ना, उतना तो मैं कर ही सकता हूँ, मैं हटा दे रहा हूँ स्लो मोड जो लोग परेशान हो। चलो वैसे तो तुम लोग को हरदम आंसर बताना है नहीं, हाँ चलो ठीक है खुश हो अब, चलो चलो जल्दी करो फटाफट, कर लोगे ना अब। ठीक है कॉपी पेस्ट नहीं करना, ध्यान रखना, यक्स का मान 2 रखोगे, वाई का मान 1 रखोगे, के का मान निकालना है, 4 + 3 बराबर के, के का मान 7 आएगा है ना। मनोज ठीक है, ज्योति, नव्या, अभिषेक, अनिल, लीजेंड, गॉड गेमिंग, हेमेंद्र, और कोई एनीवन। तो बच्चा 4.2 खत्म होने के बाद 4.3 आता है, 4.4 खत्म हो जाए तो आपका चौथा चैप्टर भी खत्म हो जाए, है ना। देखो कुछ पढ़ने वाले जो हैं वही रहे तभी अच्छा है यार। चलो ये आपका एक्सरसाइज इंडो हो गया, द इंड 4.2 इंड हो गया, 4.3 आपका कल चलेगा, और इस तरह से आपका सभी चैप्टर फटाफट इंड हो रहा है। देखिए बच्चों तबीयत सही नहीं थी इस हफ्ता, काफ़ी परेशानी थी, इस वजह से आपका कॉपी वगैरह नहीं चेक हुआ टेस्ट का, 2 टेस्ट इकट्ठा हो गया था, पहला टेस्ट का हो गया है जिसमें जो विजेता है उसे जल्दी ही घोषित किया जाएगा। जिन बच्चों का टेस्ट का कॉपी चेक किया गया था वो कोई ना कोई मैसेज कर देंगे, दोबारा देख लिया जाएगा। एक्चुअली क्या है व्हाट्सएप का रिप्लाई कोई और करता है, हाँ कॉपी हम चेक करते हैं, तो जब वो मैसेज सीन कर लेता है तो बच्चे का वो मैसेज छूट जाता है, समझ रहे हो ना, कोई दूसरा अगर सीन कर लेता मैसेज को तो वैसे तो मैं सचेत किया रहता हूँ कि जिस दिन टेस्ट था उस दिन का मैसेज कोई नहीं चेक करेगा उस नंबर का, लेकिन फिर भी वो लोग गलती से कर लेते हैं तो आप लोग का काफ़ी उसी में गड़बड़ हो जाती है इस वजह से। क्योंकि अगर कोई चेक नहीं करेगा आपका व्हाट्सएप का मैसेज तो फिर आप डंडा करोगे, टाइम लगेगा, हाँ टाइम लगता है फिर, क्योंकि हर दिन हजारों मैसेज आते हैं बच्चों के, 9th वाले, 10th वाले, आपके टीचर भर्ती परीक्षा वाले हैं, जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं आपके भैया भाभी लोग, वो लोग भी पढ़ते हैं क्योंकि बेसिक वाला जो पढ़ाया जाता है, तो मैसेज हम अकेले नहीं देख सकते ना सबका, क्योंकि 5 नंबर पे मैसेज आते हैं, 1 नंबर पे तो आता नहीं है, और कॉपी हर कोई चेक नहीं करता है, ये मुसीबत है।
अगर आप भी बिल्कुल फ्री घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो आपको दो काम करना है। पहले तो क्लास को डेली देखना है, लाइक और शेयर करना है। अगर इसमें से दोनों काम में से कोई भी काम बचा है तो अभी तुरंत कर लो भाई, ठीक है बाबू? क्लास को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, इस बात को समझिए। और अधिकांश बच्चे सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं भाई, देखो ऐसा ना करो, तुरंत लाइक कर दीजिए, देर ना करिए। और टेलीग्राम जानते हो ना, टेलीग्राम पर पीबीआर स्टडी को तुरंत अभी बिना देर करे हुए टेलीग्राम पे पीबीआर स्टडी को क्या करोगे, ज्वाइन कर लोगे। अगर नहीं ज्वाइन करे हो तो ज्वाइन कर लो, या फिर एक काम करो आप, अगर नहीं जानते हो कैसे ज्वाइन करना है तो यूट्यूब पे पीबीआर स्टडी टेलीग्राम लिख के सर्च करो, चैनल मिल जाएगा, एक वीडियो मिल जाएगा, समझाया गया है, जाके कर लेना। मिलते हैं कल की क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। रात के 9 बजे हो सकता है आपका बेसिक वाला मैथ भी आ जाए।